हाय गाइस, इस वीडियो में हम थोरो डिस्कशन करेंगे अक्वारी की दो स्टीम आयरन्स की। एक है ES300L, एक उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, वो है 300L प्रो। सो हम देख रहे हैं अभी ES300L की अनबॉक्सिंग चल रही है। सो जैसे कि आपने देखा, इसमें एक आपका वाटर टैंक निकला है। वाटर टैंक के अंदर से ये एक फ्री गिफ्ट है, इंक्लूडेड है कंपनी द्वारा। ये एक कप है, प्लास्टिक का, काफ़ी हाई क्वालिटी कप है। इसके साथ ही आपको एक पेन साथ में फ्री मिलता है। सो ये दो चीज़ें जो हैं साथ में फ्री आएंगी। एक आपका कप आएगा जिसमें अकारी की ब्रांडिंग है। सेकंड आपका एक पेन आएगा, सेम इसमें भी अकारी की ब्रांडिंग है, काफ़ी हाई क्वालिटी है, क्लिक पेन है, बॉल पॉइंट पेन है। ओके, सो अब मूव करते हैं आयरन की तरफ। सो पहला जो कंपोनेंट आपने देखा इसमें जो है वाटर टैंक। वाटर टैंक के साथ आपको एक एल्युमिनियम का हैंगर टाइप का मिल रहा है। ये आप अपने वाटर टैंक में अटैच करते हैं ताकि आप अपने वाटर टैंक को हाइट पे कहीं पे जब आपको टांगना होगा तो ये आपको उसमें यूज़ आएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड कंपोनेंट की तरफ, जो है आपका स्टीम आयरन का पाइप। ये वाटर पाइप है जिसमें आपका वाटर ट्रैवल करेगा। ये 2 मीटर का वाटर पाइप है, काफ़ी हाई क्वालिटी है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। साथ ही में आपका एक पिन आएगा। ये पिन आपका जब आयरन में जैसे कभी कचड़ा जम जाता है, जब खारा पानी चलाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए, नीचे से होल्स को क्लियर करने के लिए पिन आपका यूज़ में आएगा। तो इसको भी संभाल के ही रखिएगा। इसके बाद ये वीडियो में करके दिखा रहे हैं, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको पाइप को अटैच करेंगे। अगेन बहुत सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आपको सिर्फ पाइप को यहाँ वाटर टैप के नीचे लगा देना है एक एंड, और जो दूसरा एंड है वो आप आयरन के जो सोलेनोइड वाल्व होगा जहाँ पे आयरन में पानी एंटर करेगा वहाँ पे लगाएंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के जो बिट्स देख रहे हैं, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका आयरन में दो तारें जाती हैं, तो आपका पाइप जाएगा, पाइप के साथ साथ में आपका पावर कॉर्ड जाएगा, तो दोनों आपस में टैंगल ना हो जाए तो उसके लिए होता है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग अटैचमेंट अंदर निकलता है उसको आप कैसे अटैच करेंगे पाइप के साथ में। तो पहले तो आप पाइप के अंदर डाल देंगे स्प्रिंग को, और उसके बाद उसी स्प्रिंग के एक एंड को आप सोलेनोइड वाल्व के ऊपर दबा देंगे। इससे क्या होगा कि पाइप जो होगा ना आपका, वो गिरेगा नहीं। एज इन पाइप अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे बिना स्प्रिंग के पाइप लगा देंगे तो पाइप नीचे गिरेगा और पाइप ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इसका जो पावर पॉइंट प्लग है वो 3 पिन का है, 15 एम्पियर का है। अगेन विच टेल्स अस कि ये जो आयरन है ये हैवी ड्यूटी है। ये आपका टेफ्लॉन पैड है जिस पे आप अपनी गरम आयरन को रखेंगे। ऑब्वियसली आप किसी सर्विस में नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि इसमें सर्विस जलने का डर होगा, तो ये पैड साथ में इंक्लूडेड है। अभी बैक पे आप देख रहे हैं कि जो आयरन है 1200 वाट की है, डिज़ाइन इन ताइवान है। इसमें करीबन 17 से 18 होल्स हैं। जो नॉर्मल आयरन होती है उसमें 9 से 10 होल्स होते हैं। जो ES300 मॉडल होता है, जो बेसिक मॉडल, जो स्टार्टिंग मॉडल होता है, इसमें आपके जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, 17-18 होल्स हो जाते हैं। स्टीम का आउटपुट, इससे हमें पता लगता है कि स्टीम का आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट करेगी आयरन। ये बटन है स्टीम आयरन को, स्टीम को रिलीज़ करने के लिए। ये जो सेकंड आपको दिखाया रोटेट करके, ये आपका थर्मोस्टेट का कंट्रोलर है, इससे आप टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं। साइड में एक आपको स्विच दे रखा है ऑन ऑफ करने के लिए, और सॉरी 300L कम्प्लीट हो। अब हम मूव करते हैं ES300L प्रो की तरफ। सो ES300L प्रो, बाकी कंपोनेंट्स तो इसमें सेम होने वाले हैं, इवन जो गिफ्ट है आपका वो भी सेम होने वाला है। जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ आपके आयरन में आएंगे। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहले देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो आयरन का बेस है उसका कलर चेंज है। ES300L प्रो की पहचान ही यही है कि उसका जो बेस है वो आपका गोल्डन कलर का है, बाकी साइज़ सिमिलर है। दोनों आयरन दिखने में आइडेंटिकल हैं, जो चीज़ अलग बनाती है वो इसका बेस का कलर है और इसका हैंडल की ग्रिपिंग है। अभी मैं ग्रिप के बारे में और डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में।
तो जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं कि जो 300L है वो 1200 वाट की है और जो 300L Pro है वो 1600 वाट की है। 1600 वाट में एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि पानी जो है आपका और जल्दी गर्म होगा, स्टीम ज़्यादा जनरेट होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा, नंबर ऑफ होल्स बिल्कुल बराबर है, नीचे सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है कलर को छोड़ के। हाँ, और जो एक मेजर डिफरेंस इसमें आता है वो आपका हैंडल में आता है। इसका हैंडल आप देख रहे हैं, हैंडल बिल्कुल प्लेन है इसका। ऑन दी अदर हैंड इसके हैंडल में आपको नीचे ग्रिपिंग मिल रही है। ग्रिपिंग की मदद से ये होगा कि जो वर्कर होगा उसको पहली बात तो उसकी ग्रिप काफ़ी इजीली बैठेगी हाथ में और उसको यूज़ करने में काफ़ी मतलब कन्वीनियंट लगेगी ये आयरन। अगर आप ये आयरन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-258-5599 पर कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।